let it bang, bang. तो रेडी है हमारी प्याज ऑडी स्टाइल में, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसकी ग्रिल और इसका बम्पर पूरा का पूरा एक लग्जरी जो पूरा का पूरा एक कंसेप्ट आता है बिल्कुल वही है। मतलब जो पहले फील थी गाड़ी की, जो लुक थी फ्रंट पूरा, वो पूरा मारुति जो है ही गाड़ी, और अब पूरा का पूरा एक लग्जरी फील है। थोड़े चेंजेस आप देख सकते हैं गाड़ी में फ्रंट से, कितनी साइड लुक है गाड़ी की, ये देखिए। ग्राउंड लेवल इसलिए कम लग रहा होगा आपको क्योंकि गाड़ी ऊंचाई पे खड़ी हुई है, बट जो लुक है ना, मतलब आप कह नहीं सकते कि ये मारुति की प्याज है। ठीक, लेके चलते हैं आपको इंटीरियर की तरफ, दिखाता हूँ इंटीरियर में क्या हुआ है। सूरत आ गए हम इंटीरियर की तरफ, एक बार मैं आपको इसकी एक झलक दिखलाता हूँ पूरी, ये देखिए। मतलब गाड़ी जो थी ना बिफोर और अब देखिए, बिल्कुल ही लुक चेंज है गाड़ी की। और स्टार्ट करते हैं हम डोर की तरफ से। डोर में जैसे आप इधर देख रहे हैं कि हमने पूरा का पूरा ये व्हाइट कलर का पियानो व्हाइट किया हुआ है, जो पास से शायद क्लियर आपको उस पिक्चर में दिख रहा होगा नॉर्मल व्हाइट, बट ये बिल्कुल ही पियानो व्हाइट है जो एक प्रॉपर ग्लोस व्हाइट होता है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट था हमारा मैट ब्लैक में था, इसको हमने पूरा ग्लोस ब्लैक में किया हुआ है। और ओवरऑल जो पूरा डोर है, वो पूरा डोर एक सिंगल कलर में हुआ है। बीच में जो लेदर पार्ट है ये वाला, ये लेदर ही रैप हुआ हुआ है, यहाँ पर भी स्टिचिंग देकर लेदर किया गया। तो ओवरऑल जो पूरे डोर की फील है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट में हो चुकी है। उसके बाद एक बार पूरी गाड़ी में नजर मारते हैं, एक बार चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाता हूँ आपको क्या क्या काम हुआ अंदर भी। सूरज जैसे अब हम आ गए अंदर की साइड, और जो व्हाइट वाला कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड के संग कम्बाइन हो रहा है पूरा। तो एक रो ली है पूरी की पूरी हमने इसके अंदर, जैसे मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ कि पूरा का पूरा डैशबोर्ड में एक कॉम्बिनेशन चल रहा है पूरा व्हाइट कलर का। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड में जो काम हुआ है, जैसे हमारा जो ये पिलर वाला पार्ट है पूरा का पूरा सेम कलर में कोटिंग हुआ हुआ है, और डैशबोर्ड पूरा पहले ब्लैक था पूरा का पूरा, जो पूरा वाइन कलर के अंदर कन्वर्ट किया गया। उसके बाद आते हैं जो ऊपर की छत है, वो पूरी ब्लैक की गई है। इसके अंदर छत के जो पार्ट है वो भी ब्लैक किए गए। इवन जो इसके जो जो पार्ट था ऊपर वाला सनग्लास होल्डर था, इसको भी पूरा का पूरा पियानो ब्लैक में किया गया। उसके बाद लेके चलता हूँ आपको पूरा जो बीच का पैनल है हमारा, जहाँ पर ये व्हाइट कॉम्बिनेशन है, इसके नीचे अगर आप जैसे ये ग्रिलिंग वगैरह भी देखेंगे तो पूरी पूरी ये हमारी पियानो ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हुई है। और जो स्टीलो का पार्ट है हमारा, जो आउटर फ्रेम था, वो पूरा पियानो ब्लैक में कन्वर्ट हुआ है। जितना भी मैट ब्लैक का पार्ट था, जितना भी हमारा जो आपको नीचे तक दिखा रहा हूँ, इधर देखेंगे तो इधर एक बीच में सिल्वर पार्ट था जिसको पूरा व्हाइट कॉम्बिनेशन में लिया गया। उसके जो आउटर पार्ट अगर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, जैसे एक पूरा एक पियानो ब्लैक का पूरा एक पीस किया गया है, जो बहुत ही बड़ा पीस पार्ट है, और पूरा फ्रंट तक एक रो चल रही है पियानो ब्लैक की, क्योंकि डिटेलिंग से ही गाड़ी के अंदर काफी लुक आती है। बात करते हैं स्टेयरिंग की, जैसे स्टेयरिंग पे चल रहे हैं, लुक देख रहे हैं स्टेयरिंग की, तो बिल्कुल लेदर में स्टेयरिंग रैप है और बीच में पूरा कोटिंग की गई है। आउटर जो पार्ट था पूरा का पूरा पियानो ब्लैक में किया गया, और पियानो ब्लैक होने के बाद, और मतलब एक डिटेलिंग करने के बाद ना गाड़ी में जो फील आती है ना, ये देखिए, मतलब आप खुद देख सकते हैं कि क्या लुक है गाड़ी में, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट कंसेप्ट बन चुका है। इधर का जो पार्ट था हमारा ये वाला, ये हमने पियानो ब्लैक के अंदर किया, जो पास से दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार टूटर पार्ट है। और सूरज एक बार आपको लेके चलता हूँ सीट के डिजाइन पे, कि सीट पैटर्न क्या है। तो ये देखिए, जैसे सीट कवर जो इसका सीट का पैटर्न है पूरा का पूरा हमने डिजाइन में लिया हुआ है, और एक लग्जरी के संग थोड़ा सा स्पोर्ट्स फील भी है। मतलब दोनों चीज का कॉम्बिनेशन लिया गया है कि लग्जरी भी और स्पोर्ट्स भी, और प्रॉपर पैटर्न में और स्टिचिंग जिसको आप देखेंगे, एक फिनिशिंग वाला जो काम है ना पूरा का पूरा, वो काम किया गया। देखिए एलईडी हमारा ये बैक सीट का कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा, तो सेम पैटर्न जो फ्रंट में वो बैक में लिया गया। ओवरऑल जो बिफोर पिक्चर देखिए आपने, उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी अगर आप देखेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये मारुति की सियाज है। बिल्कुल ही कंसेप्ट चेंज हो चुका है और बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट हो चुका है, और गाड़ी में बैठने में भी एक अलग ही फील आ रही है। बिल्कुल ही लग्जरी की भी फील है, और साथ में थोड़ा सा जो व्हाइट का कॉम्बिनेशन जा रहा है उसमें थोड़ी सी स्पोर्ट्स की फील है। तो मतलब एक बिल्कुल एक कहते हैं ना कि गाड़ी का कंसेप्ट ही चेंज हो चुका है, तो वही चीज़ है।